हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताया था, जैसे दीर्घवृत्त बताया था, वृत्त बताया था, परवलय बताया था। और मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट में हमको पढ़ना है साइन एक्स का, कास एक्स का, सरल रेखा का, लघुगण की फलन का। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, रेफरेंस क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के बेस पर हमको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ से, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है y इक्वल साइन एक्स। ये हमको y इक्वल टू साइन एक्स के लिए ग्राफ खींचना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2 पाई, 0 से 2 पाई तक के लिए। क्लियर? हमारा क्वेश्चन है कि साइन x जो है वह x एक्सिस पर, y इक्वल टू साइन x मतलब x एक्सिस पर कितना एरिया कवर करता है और उसका लिमिट है क्या 0 से 2 पाई तक। लिमिट इसमें दिया होगा कि आपको कहां से कहां तक निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम क्या करें, इसके 0 से 2 पाई तक के इसके नेचर को, इसके वैल्यूज को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे ये x का वैल्यू है और यहाँ पर y का वैल्यू है, दैट मीन्स साइन x का वैल्यू है। क्लियर? इससे क्या होगा, हमको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो 0 डिग्री के लिए अपन ले लेते हैं, पाई बाई 2 के लिए ले लेते हैं, फिर पाई के लिए ले लेते हैं, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 के लिए ले लेते हैं, और ले लेते हैं 2 पाई के लिए। इस प्रकार से ले लिया जाए तो हमको मालूम है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन पाई अगेन 0 हो जाता है, और 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, और ये 0 होता है। इस प्रकार से साइन का वैल्यू होता है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ ड्रा कर लें इसके लिए, तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लें हम यहाँ पर इसके लिए। तो इस तरह से ग्राफ ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम इस एक्सिस में एंगल को ले रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा 0 पॉइंट है। उसके बाद हम ले लेते हैं पाई बाई 2, फिर हम ले लेते हैं पाई को, पाई बाई 2 के इंटरवल में 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक होता है, मैक्सिमम प्लस 1 होता है और मिनिमम माइनस 1 होता है। इस तरह से ये मैक्सिमम प्लस 1 तक जाएगा। साइन ग्राफ आप सबको पता है पहले से, ये 1 और नीचे आएगा माइनस 1 तक। क्लियर? अब इसके लिए यदि हम ग्राफ ड्रा करें तो नेचुरली आप यहाँ से देखो जो ग्राफ मिलेगा, 0 पर 0 ये पॉइंट मिलेगा, पाई बाई 2 पर 1, पाई बाई 2 पर तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पर माइनस का पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये पूरे पॉइंट्स को हम मिला दें तो इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा। ओके? और ये जो ग्राफ है यही उसका इनक्लोज एरिया है, मतलब यहाँ पर हमको पता चलेगा कि इसने एरिया कितना कवर किया। तो ये वाला एरिया और ये जो एरिया मैंने यहाँ पर लाइनिंग किया है, ये एरिया इसका टोटल एरिया होगा। मान लो ये ओ है, ए पॉइंट, सपोज हमने इस पॉइंट को ए ले लिया और इस पॉइंट को बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया और ये पॉइंट सपोज डी ले लिया। तो एरिया कहाँ, कौन सा एरिया आएगा, ओ ए बी एरिया प्लस बी सी डी एरिया, किसके लिए, वाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए। तो बहुत आसान है, बस इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। एक्चुअल में साइन ग्राफ, कास ग्राफ, ये सब क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पर जो पार्ट में अपन, जहाँ से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ये डिफरेंशिएट पार्ट है, इसका छोटा पार्ट है, ये इसका डिफरेंशिएट पार्ट है, ये डी एक्स पार्ट है, इसके बाद इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए तो टोटल एरिया यहाँ पर निकालना हो तो जैसा मैंने फार्मूला आपको बताया था, टोटल इंक्रीज एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स डी एस फ्रॉम 0 टू 2 पाई। लेकिन 0 टू 2 पाई में हम देख रहे हैं कि 0 से पाई तक इसका, 0 से पाई तक इसका वैल्यू, यहाँ 0 से पाई तक वैल्यू इसका क्या है, पॉजिटिव है। ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसका निगेटिव साइड है। तो दो पार्ट में इसको अपन ब्रेक कर लेंगे, दैट इक्वल 0 टू पाई हो जाएगा, ये 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। और हमको मालूम है
कि पाई से टू पाई, यहाँ से देखो पाई से टू पाई तक इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो वहाँ तक उसके वैल्यू को अपन क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। इस प्रकार से उसका वैल्यू को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव एरिया है, तो इसको हमने माइनस ले लिया। निगेटिव क्यों लिया, समझ में आया, यहाँ फिगर में देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए जीरो से पाई तक ये पॉजिटिव होगा और पाई से टू पाई तक ये निगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर। और कई तरीके से लिखने के तरीके हैं लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से लिख रहा हूँ। ओके चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, सीधा वैल्यू पुट अप करते हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। साइन एस का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया और ये हो गया कास एक्स। देखो कई राइटर लोग इसको कई तरीके से लिखे हैं, बहुत उलझा के भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़ जो मैं बना दिया वो बहुत क्लियर करता है उसको, ये ना बनाओ तो भी चलेगा, आपको एरिया पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होता है। ये हो गया और माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कास एक्स पाई टू टू पाई। अब हम इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ये माइनस कास पाई माइनस कास जीरो प्लस कास टू पाई माइनस कास पाई दैट इक्वल माइनस कास पाई मतलब कास 180 डिग्री, ठीक है। तो कास 180 डिग्री कितना होता है, कास 180 डिग्री को हम साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 90 साइन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस वन होता है, ये हो जाएगा माइनस वन और ये होता है वन होता है, ये माइनस वन हो जाएगा प्लस कास टू पाई, कास टू पाई मतलब कास जीरो का वैल्यू होता है वन ये, और माइनस कास पाई, ठीक है। तो कास पाई का वैल्यू होगा कास 180 साइन 90, ये माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वन हो जाएगा दैट इक्वल टू माइनस टू, मैंने प्लस टू इक्वल टू फोर यूनिट, ये इसका आंसर होगा फोर यूनिट, क्योंकि इसका हमको यूनिट नहीं पता तो यूनिट लिखेंगे फोर यूनिट। इस प्रकार से वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो टू टू पाई में क्या करेगा, फोर यूनिट स्क्वायर फोर यूनिट एरिया कवर करेगा। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पोजीशन को समझना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन में कौन से क्वाड्रेंट में कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव है और कौन से चतुर्थांश में निगेटिव है। तो सीधी सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ तक ये पॉजिटिव है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये निगेटिव होता है, क्लियर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये चीज़ आप ना लिखो तो भी चलेगा, ग्राफ लेकिन बनाना है, ग्राफ में वन मार्क्स या टू मार्क्स, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टू मार्क्स तो ग्राफ में ही होगा क्योंकि सब चीज़ ग्राफ से ही एक्सप्लेन है। ओके तो साइन एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में यही दोनों फंक्शन आते हैं एरिया इनक्लोज करने के लिए, या तो साइन एक्स या तो कॉस एक्स। इसके बाद हम कॉस एक्स भी देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा वो भी, बस वहाँ पर अपने को लिमिट को चेंज करना होगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किसके लिए, कास के लिए। y इक्वल कास x फ्रॉम, इसका भी लिमिट है x इक्वल टू जीरो टू टू पाई, x इक्वल टू जीरो से टू पाई तक अपने को इसको करना है। इसके लिए भी मैं आपको बराबर उसी तरह का ये बता दूं, ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि इससे स्टूडेंट पूरा क्लियर हो जाता है कहां पर वैल्यू क्या है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y इक्वल टू कास एक्स, तो वही एंगल जीरो फिर पाई बाई टू फिर पाई फिर थ्री पाई बाई टू और फिर टू पाई, तो कास जीरो में वन, अब इसका वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, वन से, पाई बाई टू में ये जीरो हो जाता है फिर आता है पाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है ये माइनस वन और थ्री पाई बाई टू, थ्री बाई पाई टू टू में, थ्री पाई बाई टू मतलब हो जाता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम लिख सकते हैं साइन 270, कास टू से कास 270 और कास 270 को कास 80 प्लस 90 कास 90 ये जीरो हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है प्लस वन। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू यदि आपको याद रहे तो आसानी से आप उसके वैल्यू को
एरिया को बता पाओगे, ठीक है। तो होता है 1 0 -1 0 1, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ग्राफ ड्रा करना। देखो यहां पर थोड़ा सा केयर करना, जीरो में इसका वैल्यू वन है, जीरो है तो यहां पर वैल्यू इसका वन है और यहां पर माइनस वन। मैं पहले ग्राफ को ड्रा कर रहा हूं, उसके बाद उसके वैल्यूज को लिखूंगा। ये है माइनस वन, तो जीरो वन यहां से स्टार्ट होगा ये, इसके बाद ये हो जाएगा जीरो पाई बाई टू में, उसके बाद यह क्या होगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन के बाद फिर ये जीरो होगा और जीरो होने के बाद फिर प्लस वन तक जाएगा। तो कास ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। कास का जो ग्राफ है वह इस तरह से बनता है, ये ध्यान रखना। कैसे बना एक बार वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख दूँ। यह है पाई बाई टू, ये पाई बाई टू का पॉइंट है, ये जहाँ जीरो हुआ। ये वाला जो पॉइंट है ये पाई का पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर फिर जीरो हो गया, ये 3π/2 का पॉइंट है, और जहाँ पर फिर इसका वैल्यू 1 हो गया, ये किसका पॉइंट है 2π का। तो प्लस 1 से माइनस 1 इस तरह से होता है। तो ग्राफ इस तरह से, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, इस तरह से बटा हुआ होता है। ये ग्राफ ही आपको हेल्प करेगा एरिया निकालने पर, क्लियर। तो यहाँ पर जो टोटल इनक्लोज एरिया होगा, टोटल जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होगा, इतना होगा और प्लस ये होगा और प्लस ये वाला एरिया होगा, इतने एरिया को हमको निकालना है, ठीक है। देखिए तो कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव अपन देखते जाते हैं। फिर यहाँ थ्री पार्ट में होगा एरिया इक्वल टू, सीधा लिखेंगे 0 to 2π/y dx, मतलब cos x dx। अब इसको हम ब्रेक करते जाते हैं, ध्यान देना ना फिगर पर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से 0 से π/2 ये पॉजिटिव है, 0 से π/2 ये पॉजिटिव है। यहाँ से देखो तो पहले कर लेते हैं हम 0 to π/2 प्लस रहेगा, ये हो जाएगा cos x dx। अब देखो माइनस, ये हम माइनस एरिया में चले आए, ये माइनस एरिया में, और पाई बाई टू से कहाँ तक 3π/2 तक, इसीलिए मैंने सामने माइनस लिख दिया। तो प्लस माइनस यहाँ पर ध्यान रखना कहाँ पर माइनस हो रहा है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाई टू से होगा 3π/2 तक और cos x dx। इसके बाद फिर पॉजिटिव साइड में चले आए अपन, देखो ये पॉजिटिव साइड में 3π/2 से 2π तक पॉजिटिव है, 3π/2 से 2π तक पॉजिटिव है cos x dx, ये हो गया, ओके दैट इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन करो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये हो गया sin x फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, ये भी हो जाएगा sin x फ्रॉम π/2। यहाँ पर लिमिट में ब्रेक करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और ये भी हो जाएगा sin x और लिमिट 3π/2 to 2π। अब लिमिट को अपन पुट करते जाते हैं, देखो दैट इक्वल अपर लिमिट, मतलब यह हो गया sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin 3π/2 माइनस sin π/2, ये हो गया। और उसके बाद प्लस यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, sin अपर लिमिट sin 2π माइनस sin 3π/2, ओके। तो ये हमने पूरे लिमिट को पुट अप कर दिया। लिमिट पुट अप करने के बाद मैं वैल्यू को यहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में तो फिर मेरे को बार बार पीछे पलट के देखना पड़ेगा। ये या मैं इसको आपको साइड में लिखता हूँ, ठीक है, साइड में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ध्यान रखना। अब देखो दैट इक्वल लिमिट पुट कर रहा हूँ, साइन पाई बाय टू मतलब साइन 90, साइन 90 इज 1, ये हो गया 1 और माइनस 0 माइनस साइन 3π/2, साइन 3π/2 ये है साइन 3π/2 मतलब 270, साइन 270 को अपन लिख सकते हैं 180 प्लस 90 मतलब साइन 90 आएगा, साइन 91 होता है और ये कितना है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हो जाएगा माइनस 1, 270 माइनस 1 होगा, साइन 90 1 होगा, ये भी हो गया माइनस 1। इसके बाद प्लस यहाँ पर साइन 2π,
साइन 2 पाई मतलब साइन 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, और ये होता है 3 पाई बाई 2 मतलब माइनस 1, साइन 3 पाई बाई 2 मतलब साइन 90 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 1, माइनस 1 हो गया इसका वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस 1। एंगल को ध्यान रखना ना, इसका वैल्यू माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इक्वल अभी हो जाएगा 1, ये प्लस 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके और प्लस 1 दैट इक्वल टू, ये भी हो गया 4 यूनिट। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों क्या होते हैं, अपने एक्सिस पर इक्वल एरिया कवर करते हैं। जितना साइन एक्स करता है, साइन एक्स का भी हमने 4 यूनिट निकाला था और कॉस एक्स का भी हमने 4 यूनिट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें साइन और कॉस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर ये जो छोटा छोटा टुकड़ा देख रहे हैं वो एक साथ कंबाइन होके आता है। मतलब ये बहुत टेक्निकल बात है कि साइन भी उतना एरिया कवर करता है जितना कॉस करता है, लेकिन साइन का जो हाफ पार्ट है सीधा पॉजिटिव होता है, हाफ पार्ट सीधा निगेटिव होता है, उसको हम साइन ग्राफ कहते हैं। लेकिन कॉस ग्राफ में ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है लेकिन हाफ पार्ट का एक एक इस किनारे में रहता है, उस किनारे में रहता है। मतलब यदि हम इस एरिया को मिला दें तो एरिया फिर कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूनिट होता है 4 यूनिट होता है और उसका भी 4 यूनिट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना ग्राफ, यदि ग्राफ आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर आपको एरिया को पुट अप करने में या उसका लिमिट रखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये है साइन और कॉस ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा जो है वह कितना एरिया इनक्लोज करता है अपने एक्सिस पर, ये हमको निकालना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट लाइन x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है, आपको पता है, जैसा मैंने आपको दीर्घवृत्त का बताया था, परवलय का बताया था, वृत्त का बताया था, वैसे ये सरल रेखा है। और ये सरल रेखा, ये जो इक्वेशन होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, तो सबसे पहले इसको अपन क्या करें, इसको हम सबसे पहले y के लिए सॉल्व कर ले। तो y अपन b इक्वल टू 1 माइनस x अपन a होगा, दैट इम्प्लाइज y अपन b इक्वल टू, यहाँ पर हम a को एलसीएम ले लें तो a माइनस x होगा, देयर फोर y इक्वल टू b ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो b a माइनस x अपन a, ये हो जाएगा y का वैल्यू। तो सबसे पहला काम होता है हमको उसको y के लिए सॉल्व करना, इसके बाद हम इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, आपको 11th क्लास से याद होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से बनता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट होता है ए, ये इंटरसेप्ट लेंथ ए मतलब ये ए जीरो होता है, और ये वाला बी होता है मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जीरो बी, और हमको इस एरिया को यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से। अब यहाँ से हमको एरिया निकालना है, तो हमको जब एक्स एक्सिस के लिए एरिया निकालना है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। बाकी तो आपको प्रोसेस पता है, प्रोसेस आपको सब पता है, बहुत आसान है। एरिया a इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और x एक्सिस के लिए तो फ्रॉम 0 to a, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 0 से a आप क्या करोगे, y dx करोगे, दैट इक्वल y का वैल्यू ये हम निकाल के रखे हैं, इसको पुट अप कर दें, b अपान a कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर देंगे, तो b अपान a क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, और अंदर हो जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स फ्राम 0 to a। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें तो दैट इक्वल ये b अपान a, इंटीग्रेशन करेंगे तो a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये a x, और माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, और लिमिट है 0 to a, दैट इक्वल b अपान a। अब लिमिट रख दें, अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो a इंटू a, a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, लोअर रखने की जरूरत नहीं है, दोनों जीरो हो जाएंगे, दैट इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू, यहाँ पर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर, दैट इक्वल एक ए इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए बी,
यूनिट एरिया, ये इसका इनक्लोज एरिया होगा, क्लियर, स्ट्रेट लाइन का ए अपान बी अप ए इंटू बी अपान टू, ये इसका इनक्लोज एरिया होगा। तो बहुत आसान है ये, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके, लेकिन ये सब क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर जो रिफरेंस इक्वेशन है, चाहे स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे इलिप्स का हो, चाहे पैराबोला का हो, चाहे सर्कल का हो, ये जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही आते हैं। और बाय द वे, ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ना आए, आपको यदि क्वेश्चन में इस तरह से ए और बी का वैल्यू दे दे, मान लो एक्स अपान थ्री प्लस वाई अपान फोर दे दिया, तो क्या करेंगे, और बी की जगह थ्री फोर करके सॉल्व कर देंगे, बाद में यहाँ पर थ्री फोर रखोगे तो चार दिया बारह बटे दो, छः यूनिट आ जाएगा, सिक्स यूनिट आ जाएगा, वो तो और आसान हो गया। इसलिए मैं आपको पूरे आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ताकि आपको x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू वन यदि बनता है, तो x अपान थ्री प्लस वाई अपान फोर इक्वल टू वन तो बनेगा ही। तो जनरल इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उनको यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो बाकी आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है, इसके जो वैल्यू पर बेस्ड है, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया है वो करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, लॉगरिथमिक सीरीज पर, लघुगणक की सीरीज पर, उसके बाद आपका ये जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डबल एरिया इनक्लोज पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये है y इक्वल टू लॉग x, y इक्वल टू लॉग x, और यहाँ पर जो लिमिट दिया है वो दिया है y इक्वल टू वन टू y इक्वल टू टू, y इक्वल टू वन टू y इक्वल टू टू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिमिट, यहाँ बहुत स्पेशल केयर करना, यहाँ पर लिमिट y के फॉर्म में दिया है, मतलब x इक्वल टू नहीं दिया है, y इक्वल टू देना है। तो हमको पता है फार्मूला, ये y dx अपन जब लिखते हैं तो x1 टू x2 हमारा लिमिट होता है, मतलब इंटीग्रेशन का नेचर है क्या कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी के रेस्पेक्ट में लिमिट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आप लिखोगे y1 टू y2, क्योंकि लिमिट को y1 टू y2 दिया है, तो नेचुरली यहाँ पर y dx ना होगा, क्या होगा, x dy होगा। ये स्पेशल केयर करने वाली बात है। तो यहाँ पर इनक्लोज एरिया हम x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो लिमिट को x1 टू x2 अपन पुट अप करते हैं, लेकिन जब हमको लिमिट को y1 टू y2 करना है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स x dy करना पड़ेगा, दैट मीन्स x एक्सिस में नहीं y एक्सिस में इनक्लोज एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को थोड़ा केयर करना है, और जहाँ पर भी ये लिमिट y के फॉर्म में होगा वहाँ आपको इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना होगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई आपको? तो देखो, इस हिसाब से यदि हम उसको x के लिए सॉल्व करें, x के लिए सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, देखो। देयरफॉर, ये फार्मूला आपको पता है, y इक्वल टू जब लॉग x होता है तो x इक्वल टू होता है e टू द पावर y, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और चर घातांक की फलन है, इसका हमने कैलकुलस में बहुत यूज़ किया है। जब y इक्वल टू लॉग x होता है तो x इक्वल टू e टू द पावर y होता है, या x इक्वल टू e टू द पावर y होता है तो y इक्वल टू लॉग x होता है, क्लियर। अब यहाँ से हम देखो, अब यहाँ से इसका इनक्लोज एरिया निकालें, तो यहाँ पर स्पेशली केयर करना ग्राफ को, इसका एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से होता है। इस ग्राफ को आप ध्यान रखोगे, y इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू वन का लाइन ये है, और सपोज़ y इक्वल टू टू का लाइन ये है, ये y इक्वल टू वन है और y इक्वल टू टू है, ये ग्राफ में इस तरह से। तो इसका ग्राफ इस तरह से एक कर्व बनता है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का ग्राफ है, ऐसा ही होता है। ग्राफ के जो टाइप्स अपन पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते हैं, और ये इसका इनक्लोज एरिया होगा, इसी एरिया को हमको निकालना है फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, क्लियर। तो ग्राफ को आप ध्यान रखोगे, ये जो ग्राफ आप कर्व देख रहे हो यही x इक्वल टू ई टू द पावर y का ग्राफ है। ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने पर फिर हमको इसका एरिया निकल जाएगा, बस इतना ही बात था। इसमें आसान है, कुछ नहीं है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब आप क्या करोगे, x dy वाई फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू e टू द पावर y, तो e टू द पावर y dy, और क्वेश्चन में हमको दिया है एरिया को वन टू टू। ओके, दैट इक्वल, अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू यदि हम पुट अप करें, तो इंटीग्रेशन करें तो e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y होता है फ्रॉम वन टू टू, आगे काम तो कुछ भी नहीं है, e टू द पावर टू माइनस e टू द पावर
वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयर फॉर इनक्लोज एरिया ई ए इक्वल टू ई को मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर बच जाएगा ई माइनस वन, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो ए इक्वल टू ई इंटू अंडर ब्रैकेट ई माइनस वन। ये क्वेश्चन कई राइटर के बुक में हो सकता है, आप नहीं पता कि कौन कौन से राइटर का बुक कंसल्ट करते, बहुत लेंदी दिया रहता है, कई क्वेश्चन को आपने बहुत लेंदी पाया होगा, तो परेशान नहीं होना, कई राइटर्स उसको ज़बरदस्ती एक्सटेंड कर दिए। सिंपल वे में ऐसी इंटीग्रेशन होता है, ये आपको समझना है, ये ग्राफ आपको समझना है, उसके बाद इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये मैंने आज के क्लास में आपको जो बताया, ये क्वेश्चन, ये फोर क्वेश्चन और मेरे ख्याल से थ्री क्वेश्चन फर्स्ट में, तो सेवन जो मैं क्वेश्चन बताया स्टैंडर्ड ग्राफ पर, एक आध दो और आपसे बन जाएंगे, वो इसी तरह से बनेंगे, सब ऐसे ही बनेंगे। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराना, इसके तुरंत बाद करना आप, इसके तुरंत बाद मैं आपको जो क्लास जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो डबल कर्व का इनक्लोज एरिया होगा, दो कर्व के। अभी आपको एक कर्व का इक्वेशन मिलता था, एक इक्वेशन मिला वाई इक्वल टू लॉग एक्स, अब हम जो पढ़ेंगे वो डबल होगा और वो आपस में कितना इनक्लोज एरिया कवर करते हैं, आपस में कितना क्षेत्रफल घेरते हैं, ये निकालना होगा, और वह इसका कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन दोनों से आते हैं, कई बार तो एक क्वेश्चन ये दिया रहता है और अथवा में आर में उसका क्वेश्चन दिया रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी डबल एरिया क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर? तो इसको हमको अच्छे से करना है और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना, इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बाकी जैसे जिस क्वेश्चन में लिमिट दिया रहता है, जिस क्वेश्चन में ऐसा लिमिट दिया रहता है, ये तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना पड़ता, लिमिट हमको पहले से पता होता है, जहाँ लिमिट हमको फाइंड करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको डबल वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।